Good morning, class 6. So today we are going to start our next chapter, which is chapter number 4, and it is food for living organism. So what we are going to read in this chapter? In this chapter, we are going to read or we are going to understand about importance of food. How food important to us, types of food, which type of food is important to which type of living organism, sources of food, how we get food, different food habitats, yet in the humans, animals, plants, everyone have different food habits, grouping of animal according to their food habits. तो इसमें और क्या करेंगे, इसमें हम अलग अलग एनिमल्स को उनके फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुपिज्म में डिवाइड करेंगे. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू रीड इम्पोर्टेंस ऑफ फूड एंड फंक्शन ऑफ फूड. व्हाई फूड इज इम्पोर्टेंट टू अस, ठीक है. सो इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ रेल और ट्रेन. सो अगर एक स्टीम इंजन है, अगर उसको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी, दैट मीन्स उसको स्टीम एनर्जी नहीं दी जाएगी, तो हाउ कुड इट रन, इट कुडंट बी रन. अगर आपकी गाड़ी है, ठीक है, यू हैव अ बाइक और यू हैव अ कार, सो विदाउट फ्यूल हाउ इट कुड बी रन. मीन्स हर एक चीज को वॉक करने के लिए, काम करने के लिए क्या जरूरी होता है, फ्यूल. और क्या जरूरी होता है, आप कह सकते हो कि हर एक इंसान को, हर एक लिविंग थिंग को, मीन्स चाहे वो आपकी गाड़ी हो और चाहे वो एक ह्यूमन बीइंग हो, एवरीथिंग नीड अ थिंग विच गिव हिम और देम इट टू एनर्जी. मतलब हर एक चीज को क्या चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करवाता हो. सो हमारी बॉडी को कौन सी ऐसी चीजें जो एनर्जी प्रोवाइड करवाती है, इन आर बॉडी दैट इज फूड विच गिव्स अस एनर्जी. फूड एक ऐसा चीज है जो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल की तरह काम करता है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, वर्क एंड प्ले. हमारी बॉडी के अंदर फूड क्या करता है, ब्रेक डाउन होता है. हमारी बॉडी के अंदर फूड ब्रेक डाउन होके पानी बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, एंड द हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड कराता है, एनर्जी, जिससे हमारी बॉडी की हेल्थ मेंटेन रहती है. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट फंक्शन ऑफ फूड. सो फंक्शन ऑफ फूड में, फूड हेल्प अस टू ग्रो. फूड हमें बढ़ने में मदद करता है, लाइक एज फॉर एग्जाम्पल मिल्क, एग्स, चीज, पल्सेस एक्सेट्रा. ये किस लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर आर मसल्स एंड बोन्स. मसल्स और बोन्स के लिए इम्पोर्टेंट है क्या, मिल्क, एग्स, चीज, बिकॉज दीज हैव प्रोटीन्स एंड दे मेक अस स्ट्रांग. नेक्स्ट, फूड लाइक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जो वेजिटेबल्स और फूड होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो हमारी हेल्थ को क्या करते हैं, दैट इज बिकम आवर हेल्थ वेरी गुड. और इनके अंदर प्रोटीन्स, विटामिन्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी को डिजीज से यानी बीमारियों से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट रखते हैं. फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वी बिकम हेल्दी एंड फिट. एंड कुछ स्टफ्स होते हैं, कुछ रोटीज यानी चपाती होती है, लाइक एज ब्रेड, बटर, राइस एंड नट्स. ये क्या करते हैं, ये चीजें हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाती हैं, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम जो कि हेल्प करती है हमारी वर्क एंड प्ले करने में, ठीक है. सो अलग अलग लोग अपनी हैबिट्स के अकॉर्डिंग, अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के और अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग चीजें खाते हैं, ठीक है. और ह्यूमंस ज्यादातर ओमनिवोरियस होते हैं, ठीक है. उनमें से कुछ ह्यूमंस वेजिटेरियन और कुछ नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, ठीक है. ह्यूमंस को दो तरीके से क्लासिफाइड किया जा सकता है, वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियन, ठीक है. हर एक
आप कह सकते हो कि एक इंसान का और हर एक पर्सन का अपना फूड ट्रेडिशन अलग होता है, ठीक है। जैसे गुजराती फूड, राजस्थानी फूड, साउथ इंडियन फूड, पंजाबी फूड, बंगाली एंड चाइनीज फूड, मीन्स राजस्थानी फूड, मीन्स हर एक चीज, हर एक कम्युनिटी का एक अपना अलग फूड रेफरेंस होता है। उनकी वो आप कह सकते हो कि उनका ट्रेडिशन, उनका कल्चर, और कल्चर के अलावा उनका खाना, उनका फूड उनको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे राजस्थानी में दाल बाटी चूरमा, ये डेफिनेटली रिप्रेजेंट करता है राजस्थानियों को, ठीक है। और पंजाबी में कह सकते हो कि आप सरसों का साग, मक्की की रोटी, बटर, लॉट्स ऑफ बटर, ये चीजें क्या करती है, डिफाइन करती है पंजाबी को। मतलब हर एक कम्युनिटी का अपना एक अलग अलग उनकी रिप्रेजेंटेड फूड होता है। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड, इट इज द सोर्सेज ऑफ फूड, हाउ वी गेट फूड, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट फ्रू मोस्टली फूड फ्रॉम प्लांट्स, फ्रूट्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। एंड फ्रूट्स आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। बना हाउ व्हाट इज द बनाना गिव्स अस, बनाना मोस्टली गिव अस लॉट्स ऑफ एनर्जी एंड सम मिनरल्स। गवावा एंड ऑल सिट्रस फ्रूट्स हैव विटामिन बी एंड विटामिन सी, ठीक है। और जो वॉलनट्स होते हैं, ये क्या है, वॉलनट्स, आलमंड्स, ये क्या है, ड्राई फ्रूट्स हैं। लेमन, ऑरेंज, आंवला, दीज आर सिट्रस फ्रूट। मैंगो, एप्पल्स, बनाना, दीज आर फ्लैशी फ्रूट्स। तो इनके भी क्या है, अलग अलग कैटेगरीज, फ्रूट्स में भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड पल्सेस। पल्सेस मीन्स हम अपनी लैंग्वेज में, यानी इन द डेली रूटीन्स लाइफ वी सेज दाल्स। तो हर दाल अलग अलग होती है, जैसे किडनी बीन्स यानी राजमा, पिजन पी यानी अरहर, ब्लैक ग्राम यानी उड़द, पीज, ग्राम, चना, एक्सेट्रा। दीज आर क्या है, दीज आर पल्सेज। पल्सेज लाइक मूंग एंड चना, इसे हम एज ए स्प्राउटिंग, जैसे मूंग होता है, चना होता है, रात को भिगो कर रखते हो तो सुबह क्या होता है, उनके स्प्राउट्स आ जाते हैं, ठीक है। जब आप ये स्प्राउट्स खाते हो तो दैट बिकम मोर हेल्दी फॉर यू, ठीक है। चना एंड मूंग, मूंग स्प्राउटिंग गिव्स यू मोर एनर्जी। इसे क्या होता है, आपकी बॉडी को एनर्जी भी मिलती है और आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट मीन्स फैट भी नहीं बढ़ता, ठीक है। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू सीरल्स। सीरल्स अनाज कौन कौन सा होता है, मेज, व्हीट, बाले, मिल्ट, राइस, एक्सेट्रा, ठीक है। व्हीट क्या है, व्हीट इज अ स्टेपल फूड, यानी जो हर जगह अवेलेबल होता है और जो हर एक पर्सन खाना पसंद करता है। सो इट इज मोस्टली और मेजोरिटी फाउंड इन नॉर्थ इंडियंस बिकॉज इट्स रिच ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। द वेस्टर्न पीपल ऑफ द फर्टाइल नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया आर द मोस्ट सुटेबल फॉर द ग्रोइंग व्हीट। जो वेस्टर्न पार्ट है नॉर्थन प्लेन्स का इंडिया में, वो जगह बिल्कुल परफेक्ट है और वहां पर क्या होता है, सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाता है। द नेक्स्ट इज राइस। हमारे इंडिया में सबसे पहले ज्यादा व्हीट खाया जाता है, उसके बाद राइस। राइस भी, राइस में भी क्या होता है, इट इज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बहुत होता है। एंड ये मेनली हमारे वेस्ट पार्ट में पाया जाता है इंडिया में, लाइक एज बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड अंडमान आइसलैंड। द नेक्स्ट इज मेज और कॉर्न। ये भी क्या होता है, वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड सीरियल है। एंड द यूनाइटेड, नेक्स्ट इज द ऑयल। ऑयल इज द मेन सोर्सेज ऑफ इडेबल फूड, इडेबल थिंग। ऑयल्स क्या होता है, जैसे सरसों का तेल हो गया, मूंगफली का तेल, सोयाबीन ऑयल, ये सभी हम लोग क्या करते हैं, इज द इन द कुकिंग मीडियम, इट इज आर कुकिंग मीडियम। हम लोग खाना पकाने में इंडियंस और मोस्टली वेजिटेरियन पीपल यूज एज इट, ठीक
ओके. अपार्ट फ्रॉम दैट इडेबल इज बटर एंड घी. इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑयल बट इट इज अ मोस्टली सोर्सेज ऑफ फैट. बट बटर एंड घी इज मोर एक्सपेंसिव फॉर सम पीपल सो दे यूज ऑयल फॉर कुकिंग. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू रीड अबाउट वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स आर कैटेगराइज इन थ्री पार्ट्स. कैटेगराइज इन थ्री. फर्स्ट इज रूट, सेकेंड इज स्टेम्स, थर्ड इज लीव्स. सो वट टाइप ऑफ रूट्स वी ईट? वी यूजली ईट कैरेट, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो एंड बीट रूट्स. दीज आर द रूट्स वी यूजली और वी एक्चुअली ईट इट और ईट इट एज फ्रूट और ईट इट एज वेजिटेबल. ईट इट एज बॉयल और ईट इट एज रॉ वेजिटेबल. नेक्स्ट इज द स्टेम. सो इन द स्टेम ये क्या होता है? एक तरीके का आप कह सकते हो कि आप तना खाते हो. तो शुगर कैन इज द मोस्ट एग्जाम्पल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्टली सीन एग्जाम्पल ऑफ द स्टेम. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेम ऑफ बनाना प्लांट इज कुक्ड इन कुक्ड एंड ईट इन साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. सो देर आर सर्टन प्लांट्स ऑफ स्टेम्स वी ईट इट लाइक एज पोटैटो, अनियन, गार्लिक, जिंजर. दीज आर द स्टेम वेजिटेबल विच वी यूज और विच वी ईट. नेक्स्ट इज लीव्स. लीव्स ऑफ प्लांट्स, सम लीव्स ऑफ प्लांट्स वी ऑल्सो ईट एज वेजिटेबल एज और एज रॉ. सो दीज आर द स्पिंच, लेक्टू, कैबेज, कॉरियंडर, बेसिल एंड मिंट आर ईटन. ठीक है, दीज आर द लीव्स ऑफ अ प्लांट. ठीक है, नेक्स्ट वे लुक एट दिस स्पेनिच, लेक्टस, कैबेज, बेसिल. वी यूजली ईट एज रॉ और कुक. नेक्स्ट इज फ्लावर. विच टाइप ऑफ फ्लावर वी यूज फॉर ईटिंग? दैट इज कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, बनाना फ्लावर, पम्पकिन फ्लावर. दीज आर ऑल्सो यूज एज कुक और ऑल्सो यूज एज फूड. ठीक है, यूजली मोस्टली इन दिस पार्ट, इन आर पार्ट वी यूजली यूज कॉलीफ्लावर और ब्रोकली. बट देर आर सम पार्ट्स ऑफ इंडिया देर इज यूज और अपार्ट फ्रॉम इंडिया सम पीपल यूज बनाना फ्लावर्स एंड पम्पकिन फ्लावर. सो नेक्स्ट वी गेट सम गोइंग टू रीड अबाउट सम थिंग्स दैट इज द शुगर और स्पाइसेस, हाउ और फ्रॉम वेयर वी गेट इट. सो हाउ द शुगर इज मेड? शुगर इज यूजली मेड फ्रॉम शुगर केन एंड शुगर बीट. ठीक है, शुगर केन इज अ स्टेम और शुगर बीट इज अ रूट. इंडिया, पॉइंट टू बी नोटेड, इंडिया इज द लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्री. इंडिया इज द लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड. ठीक है, नेक्स्ट इज स्पाइसेस. स्पाइसेस इज ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इंडियन हिस्ट्री. हमारे इंडिया की हिस्ट्री में स्पाइसेस सब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. कुछ जब हमारे इंडिया, हमारा इंडिया बिल्कुल आजाद था, ब्रिटिश लोग नहीं आए थे, तो कई लोग तो इंडिया में सिर्फ स्पाइसेस के लिए आए थे. नॉट फॉर द रूल बट दे वॉन्ट स्पाइसेस. दे वॉन्ट स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया बिकॉज इंडियाज लैंड इज वेरी सुटेबल फॉर सम और सम प्रीशियस वेजिटेबल्स और स्पाइसेस. सो व्हाट टाइप ऑफ स्पाइसेस? एसाफोटिया दैट इज हींग, रेड चिलीज, टर्मरिक, हल्दी, क्यूमिन सीड्स मीन्स जीरा, मस्टर्ड सीड्स जिसे आप राई भी कहते हो. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट बेवरेजेस. बेवरेजेस मीन्स टी और कॉफी. वी फाउंड इट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, ऑल ओवर इन द वर्ल्ड पीपल यूज्ड एंड ट्री प्रिपेयर्ड फ्रॉम ड्राई एंड प्रोसेस्ड लीव्स ऑफ ट्री प्लांट्स. एंड कॉफी इज प्रिपेयर्ड बाय ग्राइंडिंग राइप एंड डार्क बेरीज ऑफ कॉफी प्लांट. सो बोथ ऑफ दीज आर ग्रोन इन हॉट क्लाइमेट. टी प्लांट्स नीड मोर वाटर.
बट इट कैन नॉट टॉलरेट वाटर स्टैंडिंग अराउंड इट्स रूट्स। अगर इसके रूट्स के आसपास पानी जमा हो जाएगा तो ट्री प्लांट क्या हो जाएगा, इट बिकम स्पॉइल, ये खराब हो जाएगा। बट इट नीड मोर वाटर। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड फूड्स विच वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स हमें कौन कौन से फूड और कौन कौन सा फूड मिलता है। सो द थिंग इज मीट। मीट इज अ मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, मीट में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। वी गॉट इट, सम पीपल विच आर नॉन वेजिटेरियन, एज आई एम वेजिटेरियन, सम पीपल आर नॉन वेजिटेरियन, ठीक है, दे गॉट देयर फूड और देयर मीट फ्रॉम शीप, गॉट, पिग, हैन, डक और फिश। ठीक है, पहले के लोग क्या करते थे, यानी जब हम कह सकते हैं कि जो आदिवासी लोग थे वो मीट को कच्चा खाते थे, बिकॉज दे डोंट नो अबाउट हाउ टू कुक, दे डोंट डजंट नो अबाउट इट। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट एग एंड मिल्क। तो एग इज सर्टन बर्ड्स, एग ऑफ सर्टन बर्ड्स लाइक हैन, गूस, डक्स। ठीक है, ये कहाँ से एग्स मोस्टली हमें कहाँ से मिलते हैं, हैन से, गूस से और डक से। इट इज ऑल्सो ईटेबल फूड एंड मेन सोर्स ऑफ एग इज हैन। एग्स में मीट से भी ज्यादा प्रोटीन होता है। मीट या एग इज द मोस्टली फाउंडेड प्रोटीन। एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू मिल्क। मिल्क इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट विच वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। दूध में क्या होता है, दूध में सबसे ज्यादा कैल्शियम और प्रोटीन होता है, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो फ्रॉम वेयर वी गेट मिल्क, वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ, बफेलोज, बट सम पीपल और इन द सम पार्ट्स पीपल यूज मिल्क ऑफ गॉट, शीप, कैमल इन आर अदर पार्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज हनी। सो हम सब जानते हैं कि हाउ वी गेट हनी, वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज। हनी कैसे बनता है, बीज क्या करती है, कलेक्ट करती हैं स्वीट जूस को फ्लावर से एंड कन्वर्ट करती हैं और स्टोर करती हैं अपने हाइव्स में, यानी अपने छत्ते में। ठीक है, द हाइव्स विच कंटेन हनी, जो छत्ते हनी कंटेन यानी हनी स्टोर करते हैं, दैट इज कॉल्ड हनी कॉम्ब। इट इज ईटन विद ब्रेड और हनी इज आल्सो यूज इन मेडिसिन एंड आल्सो यूज इन कुकिंग। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट डिफरेंट फूड हैबिट्स। ठीक है, एंड ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स। देयर आर कैटेगरीज, हर्बीवोरियस, कार्निवोरियस, ओमनीवोरियस, स्कैवेंजर्स, पैरासाइट्स और इंसेक्टिवोर्स। दीज आर द कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स विच आर कैटेगराइज्ड थ्रू देयर फूड हैबिट्स। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट हर्बीवोरियस। हर्बीवोरियस वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ क्या खाते हैं, प्लांट्स और वेजिटेबल्स और ग्रासेस वगैरह, लाइक एज काउ, शीप, रैबिट, गॉट, जिराफ एक्सेट्रा। ठीक है, दीज आर हर्बीवोरियस। हर्बीवोरियस जो एनिमल्स होते हैं वो अपने फ्रंट टीथ यूज करते हैं बिकॉज दे आर वेरी शार्प एंड पॉइंटेड, विच हेल्प देम टू कट द थिंग एंड च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। ठीक है, सो नेक्स्ट इज द कार्निवोरियस। कार्निवोरियस एनिमल्स वो होते हैं जो किसी अदर एनिमल को खाते हैं, यानी विच दे ईट एज मीट। ठीक है, लाइक एज टाइगर, लॉयन, काइट, वॉल्चर्स, दीज आर द कार्निवोरियस। ये वो एनिमल्स हैं जो क्या खाते हैं, सिर्फ मीट खाते हैं। ये अपना शिकार करते हैं या फिर किसी और का किया हुआ शिकार खाते हैं। ठीक है, कुछ अपने शार्प टीथ, शार्प एंड स्ट्रांग टीथ यूज करते हैं और क्लॉज यूज करते हैं, कुछ अपनी चोंच एंड टीयर यूज करते हैं। ठीक है, द मसल्स ऑफ कार्निवोरियस की मसल्स क्या होती है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, किसकी बजाय
हर्बीवोरियस की वजह है. सो नेक्स्ट इज द ओमनिवोरियस. ओमनिवोरियस वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स पे और दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं, यानी जो प्लांट्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, लाइक एज ह्यूमन बींग्स, क्रो, बियर. ठीक है, दिस टाइप ऑफ एनिमल्स. नेक्स्ट इज द स्केवेंजर्स. स्केवेंजर्स कौन से होते हैं? ये एक सर्टेन लिविंग थिंग्स होते हैं नेचर में जो किस पे जीते हैं, डिस्ट्रॉय और डिकम्पोज और डेड एनिमल्स और प्लांट्स पर. जो डेड एनिमल होते हैं उनको खाते हैं और या फिर जो डेड प्लांट्स होते हैं, लाइक एस फंगी, बैक्टीरिया. और ये क्या होते हैं, ये एग्जांपल हैं उन ऑर्गेनिजम्स के जो क्या करते हैं, दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू रीड अबाउट पैरासाइट्स. पैरासाइट एनिमल्स आर डिपेंड ऑन नरिशमेंट. ठीक है, ये डिपेंड करते हैं दूसरे लोगों पर, लाइक एज मॉस्किटो, बग, लॉज, फ्ली, लीच. ये नरिशमेंट पर डिपेंड करते हैं, यानी अगर आपको जैसे मॉस्किटो हम सब जानते हैं कि टेकिंग आर ब्लड के, लेकिन नरिशमेंट यानी जिसकी स्किन ज्यादा सॉफ्ट होती है मोस्टली मॉस्किटोज क्या करते हैं, उसी को बाइट करते हैं, बिकॉज द नरिशमेंट इन दैट पर्सन बॉडी इज आर मोर देन द अदर वंस. सो द नेक्स्ट इज इंसेक्टिवोर्स. इंसेक्टिवोर्स एनिमल क्या करते हैं, विच ईट ओनली मॉस एंड इंसेक्ट, जो सिर्फ मॉस और इंसेक्ट्स को खाते हैं, लाइक एज फ्रॉग, लीजर्ड्स, चैमलियन, स्पाइडर, बर्ड. ये क्या करते हैं, सिर्फ जो इंसेक्ट्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को खाते हैं, नन अनदर देन थिंग्स. सो क्लास सिक्स, दिस वॉज योर चैप्टर. इन दिस चैप्टर हमने पढ़ा कि अलग अलग तरीके का खाना कैसे होता है, हमें खाना कहाँ से मिलता है. ठीक है, हमें जो कुछ हमें प्लांट से मिलता है, कुछ हमें एनिमल से मिलता है, और एनिमल्स को कैसे डिवाइड किया गया है अलग अलग कैटेगरीज में. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. आई डू इट ओनली टू और थ्री, बट अदर क्वेश्चन एंड क्वेश्चंस आंसर विल बी प्रोवाइडेड टू यू. सो यू हैव टू डू. एंड सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, टेक द करेक्ट ऑप्शन फूड. फूड गिव्स अस एनर्जी, रिपेयर्स आवर बॉडी पार्ट्स, हेल्प इन ग्रोथ. सो दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दीज. नॉन वेजिटेरियन ईट, सब खाते हैं चिकन, मीट, फिश, तो इसका भी ऑल ऑफ दीज. एनिमल्स दैट गिव अस एग्स, कौन कौन से एनिमल हमें एग्स देते हैं, चिकन एंड डक. ठीक है, सो बाकी के आंसर्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे. नेक्स्ट इज द टिक, फिल इन द ब्लैंक. इफ यू डू फर्स्ट, फूड गिव्स अस एनर्जी. ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन आंसर्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे. टू द नेक्स्ट हमारा टिक द करेक्ट और रॉन्ग. जो सही है उसका सही, जो गलत है उसका गलत. सो फर्स्ट है, पीपल हु ईट ओनली प्रोडक्ट्स और पार्ट ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन. नो, दे आर कॉल्ड वेजिटेरियन. ठीक है, नेक्स्ट इज शॉर्ट टाइप क्वेश्चन एंड आंसर्स. नेम फ्यू सोर्सेस ऑफ फूड, कहाँ कहाँ से मिलता है, प्लांट्स, एनिमल्स. ठीक है, ये कुछ सोर्सेज हैं जहां से हमें क्या मिलता है, फूड मिलता है. लॉन्ग टाइप क्वेश्चन एंड आंसर, हमें खाने के फंक्शंस बताने हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमें स्ट्रांग बनाता है, हमारी बॉडी को रिपेयर करता है. सो द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी प्रोवाइडेड टू यू. सो क्लास सिक्स, दिस वॉज आवर चैप्टर नंबर 4. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो और द नेक्स्ट सेशन वी विल गो टू डू आवर चैप्टर नंबर 5, विच इज नेसेसरी न्यूट्रिशंस. सो थैंक यू क्लास, दिस वॉज योर चैप्टर नंबर 4.